जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि ये भी टीएस ग्रेवाल का ही 36 एग्जांपल मेरी बुक में दे रखा है। ये मेरी बुक लास्ट एडिशन की है, आप नई बुक जब लेंगे ना उसमें आपको आगे पीछे मिल जाएगा ही, थोड़ा सा ये दो एग्जांपल छोड़ के नए ऐड हो गए होंगे एग्जांपल, है ना। तो 1 जनवरी 2010 को यानी कि ओपनिंग जो डेट है वो 1 जनवरी है, तो खाते 31 दिसंबर को बंद होंगे, ध्यान रखना आप लोग, है ना। प्रीसियस नोबल परफेक्टली पार्टनर है डीड में, है ना। उनकी कैपिटल है 60,000, 50,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। परफेक्ट ने एडवांस में फर्म को लोन दिया 6,000, 10,000 रुपये का, इस पर 6% उसको हम लोग क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक की डेट गिन लेना, 6 महीने होते हैं, 6 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, सिंपल सिंपल है, आपके पास अमाउंट है ही कैपिटल का, रेट है ही, पर एनम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए एक वर्किंग नोट आया 6% के हिसाब से कि ईच का मतलब 3% है ना, सेम विड्रॉल कर रहे हैं 4,000 रुपये ईच क्वार्टर में, तो 4,000 को 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देना, 3 होगा 16,000 रुपये आ जाएगा। क्वार्टर में जब एंडिंग आती है तो 4.5/12 आता है, 6% है, तो मेरे हिसाब से 3 का जो इंटरेस्ट निकलेगा 360 रुपीज़ निकलेगा, वो वर्किंग नोट में बता दूंगा मैं। जो वर्किंग पार्टनर है वो नोबल है और एक प्रिसियस है, उनको हमें सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ और 300 पर मंथ, तो एक का आ जाएगा आपका 2,400, एक का आ जाएगा 3,600। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना, मैंने बता दिया था। अब ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो भी आएगा उसका फर्स्ट डिवीजन जो भी आएगा, मुझे नहीं पता है, उसका फर्स्ट डिवीजन तो 70,000 रुपये जो भी है 70,000 4:1 में बांट देना, 4/7, 2/7, 1/7 में, और बाकी इसके बाद जो बचेगा भाव में, जैसे मान लो 90,000 रुपये आया एग्जाम्पल, तो 70,000 तो बांट दो रेशियो में, बाकी जो 20,000 बचे वो बांट देंगे इक्वल। अब देखते हैं कितना आता है प्रॉफिट जो दे रखा है एडजस्टमेंट करने से पहले का दे रखा है, बिफोर द अबाउ द एडजस्टमेंट्स 1,11,000 रुपीज़, तो ये नेट प्रॉफिट है। अब देखेंगे आगे इसमें जो एक ही एडजस्टमेंट दिख रहा है मुझे 11वीं क्लास का इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कह रहे हैं कि आप इन सब इन्फॉर्मेशन को देखते हुए प्रिपेयर द पीएनएल प्रिपेयर्ड अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, है ना, और पार्टनर्स अज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड खाता बोला गया साहब, देखिए आप इसको अंडरलाइन कर लेना फिक्स्ड को, ठीक है ना। फिक्स्ड का मतलब होता है 3 चीज़ें बनेंगी यहाँ पर, एक तो पीएनएल प्रिपेयर्ड अकाउंट जो कि हमारा एक वर्किंग नोट है, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, थैंक यू। देखिए जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को अभी क्वेश्चन दिखाया था, है ना, उसी का मैं एक आंसर शीट आपको दिखा रहा हूँ और समझाता भी जाऊंगा कैसे कराया मैंने ये। मैं आपको क्वेश्चन करके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, इसमें क्या मैं करके रख देता हूँ आप लोगों को एक चीज आराम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो था वहाँ पर आराम से गिवन था 1,11,000 रुपीज, इसमें से 300 लेस कर देंगे। अब ये जो 300 है बेटा ये इंटरेस्ट और लोन है, अब कैसे निकाला देखो, 10,000 का हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, इस प्रिंसिपल अमाउंट में 6/12 कैसे निकाला, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक का आप डेट ऑफ टाइम गिन लीजिए, और यहाँ पर 6% हमारे एज्यूमिंग रेट है टेबल ए के अकॉर्डिंग, वो आप चार्ज कर लेंगे तो 300 आएगा, लेस करने के बाद आपका एक्चुअल प्रॉफिट 12th क्लास का आ गया। और इसमें एक ट्रांजेक्शन और आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आपका वर्किंग नोट में जाता है बेटा, ये आपका वर्किंग नोट कह सकता हूं मैं, ठीक है। प्रिसिस नोबल और परफेक्ट 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर की ड्राइंग 4,000, 4,000, 4,000 है, इसको क्वार्टरली अगर लेंगे तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, क्वार्टर अमाउंट आ गया, उसके बाद हमारे पास परसेंटेज दे रखी है 6% है, और क्योंकि क्वार्टर में एंडिंग में निकाल रहा है पैसा, हर वर्ष के एंड में निकालेगा ये, तो एंड में हमारा फॉर्मूला बनेगा 4.5/12। अब आप कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि कैसे निकाला सर ने, तो देखो हमारे पास मंथ कितने होते हैं 12, उसमें क्वार्टर में करा तो पहली ड्राइंग कर ली होगी, बाकी की ड्राइंग वो जो मंथ बचेंगे वो 9 है, फॉर्मूले में 2 आता है, इसका फॉर्मूला होता है n+3/2, n-3/2 और n/2, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पर, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, यही आप रख दीजिए आंसर आ जाएगा 360 रुपीज़। ये ड्राइंग आप तीनों को जोड़ दीजिए 1080 आ जाएगा 1,080 रुपीज, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसकी रेट गिवन है, सिंपल से कैलकुलेट कर लो आराम से, 60,000 का 6%, 50 का 6% और 30 का 6%। सैलरी देनी है पेसिस और नॉर्मल को 200 × 12, 300 × 12। अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखिए 1,11,780 रुपीज में से यदि मैं 1, 2, 3, 4 and 5 ये सारे एडजस्टमेंट प्लस करके अगर लेस कर दूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो ये आ जाएगा 97,000, 97,380 रुपीज़। एक बार और समझ लें,
कि किस तरीके से ये अमाउंट आया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से अगर मैं ये सारे एडजस्टमेंट जो भी थे 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ करके माइनस कर दूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को दो तरीके से बांटना है। उन्होंने बोला इसमें से पहले 70,000 रुपए को दिए गए रेशियो में बांट दो, बाकी का जो बचा यानी कि बाकी के लिए मुझे इसको माइनस करना होगा, बाकी का जो बचा वो रिमेनिंग अमाउंट ये रहा, इसको इक्वल बांट देंगे। इक्वल इसको बांटेंगे तो प्रत्येक पार्टनर के हिस्से में 9,127 रुपीज आ जाएंगे तीनों के, देख लीजिए आप, है ना। और उस 70,000 रुपए को जो मैं दिए गए रेशियो में बांटूंगा 4/7 2/7 1/7 जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बेस पे बांटेंगे 40, 20 और 10 आ जाएंगे। अब आप इनको जब प्लस कर लेंगे, इनको जब प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा 49,127 29,127 और 90,127 रुपीज जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका होगा। तो ये मैंने आपको एक सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएट अकाउंट बना करके बहुत सिंपल तरीके से इसके सॉल्यूशन को बताया है। इसमें पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट नहीं बनाया है अभी मैंने, इसके जस्ट बाद में वो आपको सिखाऊंगा कि इसके डेबिट का इफेक्ट वहां पे क्या पड़ेगा, क्रेडिट का क्या पड़ेगा। थैंक यू। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि ये मेथड जो है वो फिक्स्ड मेथड है। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड मेथड है, इसलिए फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ही बनेंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो डेबिट है यानी कि पेनल एप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी आ रहा है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट को डाउन कर रहा है, और जो डेबिट है वो पार्टनर्स के बैलेंस को बढ़ाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब इसमें जो पैसा एक बार चला गया आप निकाल नहीं सकते, और दूसरे ट्रांजेक्शन आप ना निकाल सकते हो ना डाल सकते हो। तो ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर नो एग्जिट, नो एग्जिट मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को नो एग्जिट, आना ही नहीं है, डिस्टर्ब करना ही नहीं है। सिर्फ क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ओपनिंग वो आ जाएगा, और यदि पार्टनर में इन पार्टनर ने कोई भी ड्यूरिंग ऑफ द ईयर में कोई पैसा एडिशनल लगाया है ना, एडिशनल कैपिटल, तो वो आ जाएगी, ये बैलेंस बढ़ा देगी। और यदि पार्टनर्स ने कोई भी पैसा रिक्वायर ऑफ मनी उनको नीड हुई है तो निकाला है, तो विड्रो मतलब टू कैश का मतलब विड्रो, और बाय कैश का मतलब एडिशनल कैपिटल, तो वो प्लस या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्चुअल बैलेंस है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, यदि इनका बैलेंस होता तो लेते करंट अकाउंट का, क्रेडिट का क्रेडिट में लेते और डेबिट का डेबिट में लेते, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा तो नील कर दो। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डेबिट है वो देखो यहाँ पर क्रेडिट है, सैलरी डेबिट है, सैलरी क्रेडिट है, कमीशन अगर होता तो वो भी क्रेडिट होता, नहीं है छोड़ दो। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी डेबिट की जगह यहाँ पर क्रेडिट है, मतलब वहाँ कमी हो रही है या वृद्धि, वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज, और यहाँ पर अमाउंट को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो अमाउंट आएगा वो पहला आएगा प्रीसीज का आएगा 55,127, नोबल का जो आएगा वो आएगा 35,727, और परफेक्ट का जो आएगा वो आएगा 21,226 रुपीज। आप क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर दीजिए, डेबिट में से डेबिट गए 16,360 रुपीज, इन दोनों को आप प्लस करके माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास है 38,367। ऐसे ही आप नोबल का लेस कर दीजिए 90,367, और ऐसे ही आप परफेक्ट का लेस कर दीजिए, ये दोनों लेस कर देंगे तो आ जाएगा 4,866 रुपीज। बिल्कुल सिंपल था कि यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर मतलब ये होता है करंट अकाउंट का कि इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को रख सकते हैं, डाल सकते हैं, इसमें हम लोग कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, एडजस्टमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल में फिक्स मेथड में सिर्फ दो चीज के अलावा तीन चीजें इन्वॉल्व नहीं होती है। और करंट अकाउंट के अंदर आपने देखा जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट में है वो यहाँ पर क्रेडिट में है, और जो क्रेडिट में है वो यहाँ पर डेबिट में है। बचा हुआ बैलेंस सिंपल से तरीका है कि जोड़ दीजिए क्रेडिट का क्रेडिट जोड़ दीजिए पार्टनर्स का, और डेबिट का इंडिविजुअली डेबिट का लेस कर दीजिए। एक्चुअल बचा हुआ अमाउंट आपका क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कलाएगा करंट अकाउंट का, और ये जब हम फ्यूचर में बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे ये वहाँ पे एडजस्ट होगा जाके। तो स्टूडेंट आप जब भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो चार चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका पीएनएल अप्रोप्रिएट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट, और इसमें आने वाले एडजस्टमेंट खास तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कंटेंट है वो सीखने होंगे, कैपिटल के भी बहुत सारे बेसिक कंटेंट है वो सीखने हैं। इसके बाद आपका चालू होता है सेकेंड मेथड जो कि आपका होता है गारंटी, और उसके बाद आता है आपका पास एडजस्टमेंट।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं आपको समझना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के छोटे क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के छोटे छोटे क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई के बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उन सभी को बहुत अच्छा फायदा आने वाले समय में भी मिले। शटडाउन चल रहा है, घर पर ही रहे, स्टे होम, सेफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।